पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है और मध्य प्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद बीजेपी ने कहा कि एमपी के विधानसभा अध्यक्ष कमलनाथ की अल्पमत सरकार बचाने के लिए लगातार गलत कार्रवाई कर रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी के मामले में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दायर एसएलपी की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और विवेक कृष्ण तनखा द्वारा दायर इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। प्रहलाद लोधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और पुरुषेंद्र कौरव ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह तय हो गया कि विधायक प्रहलाद लोधी 17 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शामिल होंगे। इससे पहले जबलपुर हाई कोर्ट ने लोधी की सजा पर 2 महीने तक रोक लगा दी थी। दरअसल तहसीलदार से पिटाई के एक पुराने मामले को लेकर प्रहलाद लोधी को भोपाल में बनी स्पेशल कोर्ट ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। मामले में लोधी को जमानत भी मिल गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने विधानसभा से लोधी की सदस्यता को रद्द करते हुए सदन में एक पद रिक्त होने की सूचना चुनाव आयोग को भेज दी थी। जिस तरह से विधायक प्रहलाद लोधी जी के प्रकरण में राजनीति की, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसका करारा जवाब दिया। कल्पना करें, 2/11 को निचली अदालत ने प्रहलाद लोधी जी के खिलाफ में एक फैसला दिया सजा का। अकेला 3 तारीख मिली और 4/11 को अध्यक्ष जी ने उसको सदस्यता समाप्त करने का चुनाव आयोग को भेज दिया। 6/11 को हाई कोर्ट का निर्णय आ गया और आज जब मैं आपसे मुखातिब हूं तो 6/12 है, 1 महीना हो गया। एक असंवैधानिक काम, एक इलीगल काम के कारण से एक विधायक को अपने विधायी कर्तव्यों को पूरा नहीं करने दिया। संसदीय अपराध मध्य प्रदेश की विधानसभा के सचिवालय के कहने पर अध्यक्ष ने किया। विधि विशेषज्ञों से राय ले रहे कि प्रहलाद लोधी जी के द्वारा उनको उनके कर्तव्यों का पालन 1 महीने तक नहीं कर देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ प्रबले जा सकता है क्या? इस मामले में भाजपा और कांग्रेस में जमकर सियासत भी हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा था कि भाजपा विधायक प्रहलाद लोधी की सदस्यता खत्म करने का फैसला राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया था। भाजपा विधायक नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर लगातार संसदीय अपराध कर रहे हैं। पहले उच्च न्यायालय और फिर सुप्रीम कोर्ट ने प्रहलाद लोधी के पक्ष में फैसला दिया है, इसके बावजूद अल्पमत की सरकार बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष लगातार गलत कार्रवाई कर रहे हैं। हम विधि विशेषज्ञों से राय लेकर प्रहलाद लोधी के माध्यम से विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।